दिवस नजदीक आते ही सभी संप्रदाय धर्म के साथ साथ संगठनों की मांगे शुरू हो गई हैं। इसी तरह के संगठन अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से कलेक्टर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। संगठन के लोगों ने मांग की है कि संपूर्ण भारत की धरती पर तथागत गौतम बुद्ध के प्राचीन स्थल बुद्ध प्रतिमा स्तूप चैत्य विहार धन्य स्तंभ बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिमा मंगल भवन स्मारक पार्क को तोड़फोड़ करने के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाए। एक ही जाति के धर्म के नाम पर लाभान्वित किए जाने के विरुद्ध समस्त धर्मों को एक समान सहयोग किया जाए। कमजोर वर्गों पर हो रहे अन्याय अत्याचारों पर तत्काल रोक लगाई जाए। इतना ही नहीं, ज्ञापन के माध्यम से कई बिंदुओं पर मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने वालों ने बताया कि रीवा जिले के इटोरा का नाम अंबेडकर बुद्ध विहार अंबेडकर नगर इटोरा रखा जाए। इसी तरह प्राचीन बुद्ध स्थल भरहुत में स्थापित आम्रपाली की प्राचीन प्रतिमा को तोड़फोड़ करके हनुमान प्रतिमा बनाकर की गई अवैध विकृत को तत्काल हटाया जाए और वास्तविक भिक्षुणी आम्रपाली की प्रतिमा स्थापित कराई जाए। आइए आपको सुनाते हैं ज्ञापन सौंपने वालों ने क्या क्या मांग की। जाना जाता है और जो राष्ट्र भारत के बुद्ध के धर्म को स्वीकार किए हैं विदेशों में जाकर के 145 आज राष्ट्र बुद्ध के मार्ग पर चल रहे हैं, 145 राष्ट्र बुद्ध के राष्ट्र मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसा मान्य दिया जाता है। जबकि ये जो भिक्खु लोग खड़े हुए हैं, ये लोग अपना परिवार को त्यागा है, घर को त्यागा है, अपने बीवी बच्चों को त्यागा है, अपनी धन दौलत को त्यागा है, बुद्ध के मार्ग पर चल पड़े हैं और बुद्ध के मार्ग पर चल के सारे भारत को बुद्धमय भारत बनाना चाहते हैं और वो जाना जाता है। और जो राष्ट्र भारत के बुद्ध के धर्म को स्वीकार किए हैं विदेशों में जाकर के 145 आज राष्ट्र बुद्ध के मार्ग पर चल रहे हैं, 145 राष्ट्र बुद्ध के राष्ट्र मार्ग पर चल रहे हैं। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए के रिश्ते को और गहरा बनाए समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।